ऑल राइट मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज हम आए हुए हैं कुतुब मीनार एंड वी विल एक्सप्लोर द प्लेस, वी विल सी द हिस्ट्री ऑफ इट एंड ऑल। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कृष्णा। कृष्णा, अच्छा, तो बस अब आपके ऊपर है सब, जो जैसे दिखाना चाहो। देखिए सर, ये कुतुब कॉम्प्लेक्स में आप आ गए हैं। अच्छा, 12 एकड़ एरिया है ये। बारह एकड़ का नाम है कुतुब कॉम्प्लेक्स। अच्छा, ये 12 एकड़ है। हाँ, कुतुब कॉम्प्लेक्स कुतुब मीनार बनने के बाद से नाम पड़ा है। अच्छा। कुतुब मीनार बनने के पहले इस जगह का नाम था लाल कोट। अच्छा, कुतुब मीनार नहीं था, कोई भी इस्लामिक बिल्डिंग नहीं था यहाँ पे। अच्छा, यहाँ 20 हिंदू का साथ जैन का मंदिर हुआ करता था। अच्छा, क्योंकि उस समय यहाँ पर राज करने वाला राजा भी हिंदू थे, पृथ्वीराज चौहान। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी आक्रमण करके हराया था। अच्छा, सन 1192 एडी में। ओके, जब मोहम्मद गौरी हरा दिया, पृथ्वीराज चौहान हार गए, तो मोहम्मद गौरी अपने कब्जे में लिया इस लोकेशन को और इस लोकेशन का नाम चेंज कर दिया। नाम अच्छा। कर दिया कुतुब कॉम्प्लेक्स। ओके, क्योंकि यहाँ का राजा, यहाँ का शासक अपने गुलाम को, अपने नौकर को कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक इंडिया के लिए पहला मुस्लिम शासक बना। अच्छा, उन्होंने क्या किया कि 20 हिंदू के साथ जैन के जो टेंपल थे इस लोकेशन में, सबको डिस्ट्रॉय करके हाँ। एक मस्जिद बनाया। सामने अच्छा। मस्जिद दिख रहा हाँ। हम लोग मस्जिद में ही खड़े हैं, ये देखिए दीवार। अच्छा, ये पूरा ये मस्जिद का है। हाँ। अच्छा, यानी 27 टेंपल जितने जगह पे थे उतने ही जगह पे एक मस्जिद बना। हाँ। नाम है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। अच्छा, मस्जिद बनने के बाद वो सोचा कि मैं पहला मुस्लिम शासक हूँ, अपने जीत को सेलिब्रेट करने के लिए एक मीनार बनाया। अच्छा, मीनार। अच्छा, उस समय नाम था इस्लामिक मीनार, मगर बाद में इसका नाम उसी के नाम से हो गया कुतुब मीनार। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक एक ही फ्लोर बना पाया जहाँ तक पहला आर्च दिखाई दे रहा है आपको। ओके, उसके बाद उसका निधन हो गया, मौत हो गया। हाँ। उसके मौत के बाद हाँ। कुतुबुद्दीन ऐबक का सन इन लॉ हाँ। इल्तुतमिस यहाँ का राजा बना। अच्छा, इल्तुतमिस ने मीनार के एक फ्लोर के ऊपर 3 फ्लोर बना के जोड़ा था। अच्छा, तो मीनार 4 फ्लोर का हुआ। ओके, 1368 तक मीनार 4 फ्लोर का था। 1368 में एक बार मीनार के ऊपर लाइटनिंग हो गई, जिस वजह से चौथा फ्लोर आधा टूट के बिखर गया। ओके, पुनः फिरोज शाह तुगलक जब यहाँ का रूलर बना, राजा हाँ। बना, उन्होंने चौथा फ्लोर जिस पे लाइटनिंग हुई थी उसको बिल्कुल तोड़ के हटा दिया। ओके, तो 3 फ्लोर ही बच रहे थे। 3 फ्लोर के ऊपर 2 फ्लोर फिरोज शाह तुगलक बनाया, जहाँ से व्हाइट मार्बल दिखाई दे रहा आपको। अच्छा, वो ऊपर वाला जो सबसे ऊपर है वो मार्बल का है। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिस सेम डायनेस्टी से थे, इसलिए सेम कलर है 3 फ्लोर। ओके, वो अलग डायनेस्टी से थे, अलग कलर है। ओके, मीनार का हाइट है 72.5 मीटर। ओके, 5 स्टोरी बिल्डिंग है ये। ओके, मीनार के अंदर का लोकेशन आपको बता देता हूँ हाँ। इस तरह से है। ओके, ये वॉल है मीनार का हाँ। और मीनार के बीचों बीच सेंटर पॉइंट एक स्टोन का ही पिलर है। ओके, पिलर और वॉल के बीच में जो डिस्टेंस दिखाई दे रहा है आपको, राउंड सीढ़ी है नीचे से ऊपर तक। ओके, इसके अंदर 379 सीढ़ी है, जैसे ही आप एंट्री करेंगे इस गेट हाँ। से, तो ऐसे राउंड करते 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 आप बिल्कुल टॉप तक पहुंच सकते हैं। ओके, तो चक्कर आ जाते होंगे बंदे को। हाँ, हाफ एन आवर लगेगा आप ऊपर। ओके, तो नेचुरल जो बिजली गिरी थी इसके ऊपर हाँ। अच्छा, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मुगल इंफ्रास्ट्रक्चर है कि ये वो हिंदू इंफ्रास्ट्रक्चर है? नहीं सर, ये मुगल, ये टर्किश है, ये टर्किश इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्योंकि जैसे आप बता रहे हो कि पहले इससे जैन मंदिर और हिंदू मंदिर हुआ करते थे हाँ। तो लेकिन जो वो सिर्फ जमीन थी कि वो उनका अपना वो बनाया हुआ भी था? नहीं, टेम्पल था, बड़े बड़े। अच्छा, अच्छा। 27 अलग अलग टेम्पल थे। ओके, एक्चुअली जहाँ पे हिंदू का निवास होता है वहाँ मंदिरें काफी होती है, दुर्गा की, काली, लक्ष्मी की, और जहाँ पे मुस्लिम होता है वहाँ मस्जिद एक ही होता है। मस्जिद उदासीन होता है, उसमें कोई स्टेचू नहीं होता, इसलिए उन्होंने एक ही मस्जिद बनाई। इसको जो देख रहे हैं, मस्जिद का गेट है इस तरह का, देखिए वो ये मस्जिद का गेट है पूरा। ओके, है क्या कि इस तरफ का डिजाइन इस तरफ इसलिए बनाया हुआ कि इधर मक्का मदीना है, कोई भी मुस्लिम अगर आएगा तो उसको पता चल जाएगा किबला मक्का मदीना है, जिसे किबला बोलते हैं। हाँ, किबला बोलते हैं। इधर बैठ करके नमाज कर सकता है। ओके, और अभी किधर जा रहे हैं? अभी हम लोग आयरन किला पे जाएंगे। ओके, तो मीनार के बारे में और जानेंगे बारीकी। ओके,
आयरन पिलर ये वही तो नहीं है जिसमें वो हाथ वगैरह का बोलते हैं कि? हाँ हाँ अच्छा अच्छा हाँ, वही है, मैं आपको बताऊंगा। कुतुब मीनार को सर अब फिर एक बार और देखेंगे। ओके कुतुब मीनार लोग देखते हैं हाँ, मगर पूरी तरह से देख नहीं पाते। अब ओके कुतुब मीनार एक फ्लोर देखिए, दूसरा फ्लोर देखिए, तीसरा फ्लोर देखिए, चौथा हाँ, बिल्कुल अलग अलग डिजाइन मिलेगा आपको। ओके वन फ्लोर में राउंड स्क्वायर राउंड स्क्वायर राउंड स्क्वायर है, सेकेंड फ्लोर में जाएंगे टोटल राउंड है। ओके थर्ड में जाएंगे टोटल स्क्वायर है। ओके ये है क्या कि कुतुब मीनार को बनाने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश भी है, शाह तुगलक भी है। ओके मगर इसको ड्राइंग करने वाला कंस्ट्रक्शन देने वाला एक ही इंजीनियर था, उसका नाम था कुतुब बख्तियार काजी। उन्होंने इसका ड्राइंग दिया था, कहा था जब ये मीनार बन के तैयार हो जाएगा, एक मीनार नहीं होगा, एक घर नहीं होगा, एक टेम्पल नहीं होगा, ये एक लोटस होगा। ओके ये लोटस के डिजाइन से गया है नीचे से ऊपर तक। अच्छा सबसे निचला आर्च देखेंगे बड़ा है, उसके ऊपर का आर्च थोड़ा छोटा है, उसके बाद का आर्च थोड़ा छोटा है, इस तरह से ये कमल का एक स्वरूप बनता है। हाँ समझ गया हम, लेकिन हाँ नीचे वाला राउंड है ऊपर हाँ। सॉरी नीचे वाला राउंड और स्क्वायर है, उसके बाद ऊपर वाला बिल्कुल राउंड है हाँ। जो तीसरे वाला है वो स्क्वायर है, राइट हाँ, उसके बाद वाला जो है वो मार्बल का है ना हाँ ठीक है। अब हम लोग आए सर कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के बीच सेंटर पॉइंट में। ओके ये कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का बीच सेंटर पॉइंट है हाँ, और अब आपको पता चलेगा कि वाकई में हिंदू और जैन का टेंपल था यहाँ पे। अच्छा एक चीज और क्लियर कर लीजिए, राजतंत्र शासन व्यवस्था और लोकतंत्र शासन व्यवस्था में अंतर है। अच्छा। राजतंत्र शासन व्यवस्था में क्या है कि एक राजा दूसरे राजा पे आक्रमण करके हाँ। बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी इजाजत के, बिना किसी नोटिस के उस पे आक्रमण करके उसका घर द्वार सब जीत सकता है, हासिल कर सकता है, और उसमें अपने इच्छा अनुसार बिल्डिंग बना सकता है, अपने धर्म अनुसार कुछ भी चेंजिंग कर सकता है। राजतंत्र शासन व्यवस्था में ऐसा था। अच्छा कुतुबुद्दीन ऐबक जब यहाँ अटैक करके इसको पाया था तो मंदिर को मंदिर नहीं रहने दिया, इसलिए कि उसका हक था ये। अच्छा वो तोड़ करके मस्जिद बना सकता था, बाद में लोकतंत्र आया, लोकतंत्र में ऐसा नहीं कर सकते हम हाँ। लोकतंत्र में हमको राजा का सपोर्ट चाहिए तब प्रजा का वो मिलेगा, मगर उस समय सैनिक का सपोर्ट चाहिए कुर्सी मिलेगा। इस तरह से उस समय चेंजिंग होती थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक सारे टेम्पल्स को तोड़ करके मॉस्क बनाया था, मस्जिद बनाया था। अच्छा मगर मस्जिद में जो भी स्टोन लगाया वो सारे के सारे हिंदू मंदिर से है। हाँ, पहले के जो पड़े हुए होंगे आपको दिखाई दे रहा है हाँ। हाफ टेम्पल हाफ मॉस्क लगेगा। अच्छा अभी आपको थोड़ा हिंदू का स्टेचू दिखाते हैं, उससे हाँ। और क्लियर हो जाएगा। ये सब जो देख रहे हैं हिंदू टेंपल का पिलर लगे हुए हैं। अच्छा ये मॉस्क है कुब्बतुल इस्लाम मॉस्क हाँ। ऊपर आप देखेंगे तो सरस्वती का स्टेचू है, सरस्वती का स्टेचू हाँ, हाथ में बीना लिए। ओ ये तो प्रॉपर हाँ, आइडल्स हैं वो है ना, इसको डिफेस कर दिया हाँ, हाँ, हाँ। और उसी पिलर को इसमें लगा दिया मस्जिद में। अरे ये तो बिल्कुल साफ एविडेंट है, ये देख रहे हैं इधर हाँ। ये गणपति का है, पूरा फेस को डिफेस कर दिया, लगा दिया हाँ हाँ हाँ। ये देख रहे हैं रिंगिंग बेल है, इसको फेस को डिफेस कर, ये मंदिर का जो हाँ। बेल होती है, ये सब जो देख रहे हैं हाँ। स्टेचू है किसी न किसी हिंदू देवी देवता, ये भी स्टेचू है हाँ। सबको जानो सिर्फ फेस हाँ। पे तोड़ तोड़ करके इसमें यूज कर दिया गया हाँ हाँ हाँ। इधर देख रहे हैं गणपति का है पूरा ये वाला हाँ। अब हम लोग उसकी जानते हैं कुतुब मीनार कितना स्ट्रॉन्ग मीनार है, 800 साल पुराना हाँ। 1192 में बनना शुरू हो गया था, 1405 में कंप्लीट हो गया था। अच्छा अभी तक ऐसे ही खड़ा है, इसमें कुछ नहीं हुआ, उसका रीजन क्या है एक्चुअली हाँ। है क्या कि हम लोग को अगर बिल्डर बिल्डिंग बना के देता है तो 100 साल की गारंटी ले लेता है हाँ। उसके बाद नहीं, मगर 800 साल पुराना मीनार है, इतना स्ट्रॉन्ग है कैसे, उसमें कोई सीमेंट नहीं है, कोई आयरन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओके रीजन है कि मीनार को बनाने में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, मीनार में हर स्टोन एक दूसरे से अटैच है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कोई लोहे की जरूरत नहीं, कोई सीमेंट की जरूरत नहीं, जब ही अभी तक इतना स्ट्रॉन्ग है तभी तक चल रहा है। दुनिया में कई मीनारे हैं, जाम के भी मीनार है, चार मीनार भी है, मगर हाँ। सभी मीनार में या तो सीमेंट यूज किया गया है या चूना पत्थर यूज नहीं बनाया गया है हाँ। विदाउट मटेरियल कोई भी मीनार हाँ। एक ही कुतुब मीनार पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में है। अच्छा जो ओनली स्टोन से बना हुआ, सिर्फ पत्थर का है ये पूरा, और ये पत्थर चिपके कैसे होंगे कुछ है अंदाजा?
चिपके नहीं सर, हाँ। वो है क्या कि उसको जैसे उसमें जोड़ दिया, जैसे लकड़ी हाँ। को जोड़ते हैं, अभी जैसे फेविकॉल आता है ना हाँ। तो अभी तो ये रेडीमेड है, उस समय क्या होता था मूंग दाल और चीनी का एक मिश्रण बनाया हाँ। जाता था, उसको चिपका दिया जाता था। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। अब ये देखिए, ये भी वो हिंदू आइडल है, देखिए है ना हाँ। ये वाला, ये पूरे गणेश जी है शायद, है ना। देखिए हम लोग थोड़ा आयरन पिलर की तरफ फोकस करेंगे, ये है आयरन पिलर। ओके, कुतुब मीनार 800 साल पुराना और ये आयरन पिलर 1600 साल पुराना। अच्छा, अब है क्या कि क्वेश्चन आता है कि वो 800 साल पुराना अगर है तो उससे पहले से ये क्यों है। हाँ, इस पिलर को बनाने वाला हिंदू शासक है सम्राट अशोक। अच्छा, पिलर बनाने के पीछे रीजन है, पिलर के ऊपर पाली लैंग्वेज लिखा हुआ है, उससे सत्यापित होता है इस पिलर को अशोक ने अब अपने दादा चंद्रगुप्त सेकंड की याद में बनवाया। अच्छा, चंद्रगुप्त सेकंड की याद में बनवा करके मथुरा शहर में हाँ। विष्णुपाद पर्वत के विष्णु मंदिर के सामने स्थापित कर दिया था। लंबे समय तक इस पिलर को विष्णु ध्वज के रूप में यूज किया गया। अच्छा, जब अनंग पाल तोमर का शासन दिल्ली में चल रहा था 11वीं सदी में, अनंग पाल तोमर ने मथुरा से लाकर के पिलर को यहाँ स्थापित कर दिया। अच्छा, इस समय भी हिंदू और जैन के टेम्पल थे इस लोकेशन। अच्छा, मगर जब कुतुबुद्दीन ने बताया हाँ। उन्होंने सारे टेम्पल को खत्म करके हाँ। मॉस्क बनाया हाँ। मस्जिद है ये हाँ। जितने भी पिलर में फेस थे उसको डिफेस कर दिया हाँ। अगर इस पिलर में भी किसी का फेस होता तो उसको डिफेस कर देता हाँ। बाकी इसमें किसी का फेस नहीं था, लोहे का खंबा था हाँ। ये ज्यों का त्यों खड़ा है। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ये लोहे का खंबा है, लोहा हाँ। का बना हुआ है, 1600 साल पुराना है, इसमें हाँ। रस्टिंग नहीं हुआ, जंग नहीं लगा है। अच्छा, इस पे इतने सालों से बारिश हाँ। वगैरह कुछ भी है, कोई जंग नहीं है, जंग नहीं लगा। अच्छा, जंग नहीं लगने का रीजन हाँ। कई इतिहासकार अपना अपना थॉट दिया हाँ। सारे इतिहासकार लिखा हाँ। कि पिलर को विष्णु मंदिर के सामने स्थापित कर दिया गया था हाँ। विष्णु का निवास हो गया इससे हाँ। इस वजह से धार्मिक रीजन है, जंग नहीं लग रहा हाँ। लोग इसको भी मानते रहे हाँ। आप 10 साल पहले आ जाते थे, लोहे का ग्रिल नहीं था हाँ। और लोग यहाँ पूजा याचना करते थे। अच्छा, पूजा याचना करते थे और इस लोहे को सोचते थे कि यहाँ मन्नत पूरी होगी, और मन्नत पूरी होगी कैसे, इस तरह से पिलर को इस तरह से पकड़ते थे। अच्छा, कौन अगर फिंगर टू फिंगर टच हो जाता था पिलर को लेकर हाँ, हाँ। वो कहते थे कि मैं लकी हूँ, मेरा विश पूरा होगा। राइट हाँ। ऐसा लोगों का थिंकिंग था, हाँ, तारे लगी होती थी हाँ। एक छोड़ता था एक पकड़ता था हाँ, हाँ, हाँ। मगर इस पे रिसर्च चलता रहा, कई वैज्ञानिक आए, पिलर को नीचे से काट काट करके ले गए, रिसर्च करते रहे, जंग नहीं लगता है कि क्या रीजन है, क्या रीजन है। एक जॉन मार्शल जो मेट्रोलॉजिस्ट थे, अच्छा, वैज्ञानिक थे, उन्होंने रिसर्च करके एक शॉट दिया है हाँ। उन्होंने कहा कि इस पिलर को बनाने में एक यूनिक आयरन का उपयोग किया गया, इस आयरन में कार्बन की मात्रा 0% है जबकि फॉस्फोरस की मात्रा बहुत ज्यादा है। फॉस्फोरस ज्यादा होने के कारण पिलर के इर्द गिर्द आयरन ऑक्साइड बहुत कम मात्रा में बन पाता है हाँ। जो भी बन पाता है वो अच्छा हो जाता है। उन्होंने बताया कि इसमें जंग लगेगा, मगर जंग लगने की गति इतनी धीमी है हाँ। कि हजारों साल बाद इसमें जंग लगेगा, तब ये पिलर खत्म होगा। ओके, उन्होंने बताया कि इसी तरह का लोहा अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं प्रयोगशाला में तो वो नहीं होगा हाँ। सपोज दैट किसी लोहे में हम 8-10% फॉस्फोरस मिलाने की भी कोशिश करते हाँ। हैं, उससे कार्बन हटाने की भी कोशिश करते हैं हाँ। इस तरह का लोहा नहीं बच पाएगा, वो चिट्ठी बिट्टी बिखर जाता है आपस में। अच्छा, ये कहीं नेचुरल फॉर्म से प्राप्त लोहा है, उसी समय का लोहा है, जो ये यूनिक लोहा है, इसी में जंग नहीं लग रहा है, नहीं लग सकता। क्या बात, जॉन मार्शल जब अपना थॉट दिया तो एएसआई उसको स्वीकार करके इसको सील कर दिया। अच्छा, हालांकि किसी का मन्नत पूरी नहीं होगा, पकड़ पकड़ के पिलर घिस जाएगा ये हाँ। तब से बस। तो पाली भाषा ये संस्कृत से भी पुरानी है मेरे ख्याल से हाँ। मतलब कुछ हम कह नहीं सकते, तो खैर वो डिस्प्यूटेड सी चीज है, लेकिन हाँ। ये पाली भाषा की इंस्क्रिप्शन है इस पे हाँ। क्या बात है, कहां से आएगा लो? चलो, मैंने आपको बताया था कि 20 हिंदू का 7 जैन का मंदिर हाँ। आपने 20 हिंदू का एविडेंस बहुत देखे हाँ। मगर अब जैन का देखने जा रहे हैं। अच्छा, ये रहे महावीर जी हाँ। क्या बात है, ठीक है। आप ये देख रहे हैं सर हाँ। ये जैनिज्म का सिग्निफिकेशन है हाँ। ये जैन टेम्पल का सारा पिलर है। अच्छा,
इधर से जैसे जैसे आप बनेंगे वैसे वैसे हनुमान का आ जाएगा। अच्छा हाँ बिल्कुल सही बात है। तो मतलब ये लोग बाग यही सोचते हैं कि ये वो इस्लामिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना। हाँ लोगों को अगर कहानी बताया जाए हाँ। तो लोग उसको मतलब भ्रम में लेंगे हाँ। नहीं ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता है हाँ। मगर ये तो इतना सच को हाँ ये तो बिल्कुल साफ है। तो, अब जैसे ताजमहल के बारे में बात हाँ। होती है तो सच हो सकती है, हाँ। है कि नहीं? ये बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे जो है। और ये कौन सी साइड? ये आपको तीसरा पॉइंट आ गया सर हाँ। इसका नाम है अलाय मीनार। अलाय मीनार आप लोग पद्मावत मूवी देखे होंगे हाँ। उसमें अलाउद्दीन खिलजी के रोल में है रणवीर सिंह। अच्छा अलाउद्दीन खिलजी यहाँ का शासक बना था सन 1296 में। अलाउद्दीन खिलजी जब यहाँ का राजा बना तो कुतुब मीनार बन चुका था। अलाउद्दीन खिलजी सोचा कि कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश मिल करके उस मीनार को बना दिया। अच्छा अब वो फेमस हो जाएगा उसका नाम ऑल ओवर वर्ल्ड में हो जाएगा हाँ। मैं नहीं होऊंगा हाँ। मैं कुतुब मीनार से दुगुना एक मीनार बनवा देता हूँ। अच्छा उस मीनार से दुगुना मीनार बनाने की कोशिश कर दिया हाँ। उससे दुगुना डायमीटर लेकर के बनाना हाँ, हाँ, समझ गया हाँ। मगर वन फ्लोर बनाया हाँ। अलाउद्दीन खिलजी का मौत हो गया। अच्छा अलाउद्दीन खिलजी का मौत हुआ और खिलजी डायनेस्टी भी समाप्त हो गया। अच्छा खिलजी डायनेस्टी में एक ही संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी हाँ। और लास्ट अलाउद्दीन खिलजी हाँ। कोई मेंबर अगर आगे भी होता तो मीनार को कंटिन्यू करता हाँ। मीनार ऊपर तक जाता हो सकता उसका सपना पूरा होता तो उस मीनार हाँ। से दुगुना हो जाता मगर वन फ्लोर बना था वन फ्लोर ही रह गया। उसी के नाम से नाम है इसका अलाउद्दीन खिलजी अलाय मीनार। अलाय मतलब वो इसका नाम से अटैच है। अच्छा 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 अलाय मीनार तो उसका कोई वंशज नहीं था। कोई वंशज नहीं था। अच्छा इस वजह से ये अधूरा बिल्डिंग है हाँ। एक चीज और साफ कर दूंगा यही कि आपको हाँ। कुतुब मीनार और अलाय मीनार दोनों हाँ। जो है इस्लामिक बिल्डिंग है। अच्छा इस्लामिक टावर है बनाने वाला इस्लाम शासक है हाँ। और हम लोग को जो भी एविडेंसेज मिले जो भी रिटर्न मिला है हाँ। उस समय का हाँ। वो इसके बारे में हाँ। वो सारे के सारे अरबिक मिला है। अच्छा अरबिक उर्दू पढ़ने का लिखने का स्टाइल जो होता है वो राइट टू लेफ्ट होता हाँ, समझ गया। इस वजह से इसका नाम आप अलाय मीनार नहीं कर सकते हैं उसका नाम कुतुब मीनार नहीं कर सकते हैं। उसका नाम अगर लेना होगा तो बाय अरबिक आप बोलेंगे मीनारे कुतुब और इसका नाम बोलेंगे मीनारे अलाय। हाँ सही है। तो यहाँ पे अरेबिक इंस्क्रिप्शन है कि उर्दू भी है? ये अरेबिक है। ये अरेबिक है पूरा और उर्दू उर्दू का भी इस्तेमाल करा है उन लोगों ने। उर्दू का नहीं मिलेगा सर। हाँ उर्दू का नहीं होगा। लेकिन इनको पढ़ना बड़ा मुश्किल है। ये पूरा वही है जो जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये अरेबिक ही है ना सर? ठीक है भैया। अब आपका लास्ट पॉइंट ये इल्तुतमिश का टॉम्ब है। अच्छा इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का सन इन लॉ। अच्छा इल्तुतमिश का कब्र है। आप सोचते होंगे कि कब्र का क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है हाँ। मगर इसका इम्पोर्टेंस इसलिए दिखाने आया हूँ आपको। इल्तुतमिश अपने मरने के पहले ही अपना कब्र बनवा लिया हाँ। इल्तुतमिश का मौत हुआ था 1334 में हाँ। और वो कब्र बनवा लिया 1332 में। अच्छा उसका थिंकिंग था कि मेरे मरने के बाद पता नहीं मेरा फैमिली मेंबर इतना अच्छा कब्र बनाएगा या नहीं बनाएगा। मैं खुद से अपना कब्र बनवा लेता हूँ। अच्छा खुद से अपना कब्र बनवा लिया। खुद से इस बिल्डिंग को बनवाया। बिल्डिंग के ऊपर जो छत थी वो टूट चुकी है। नहीं तो आपको छत दिखता एकदम बिल्कुल अच्छा। अच्छा अब देखिए उन्होंने तो बना तो दिया मगर इल्तुतमिश ने इस कब्र के नीचे एक खाली जगह छोड़ा है। अच्छा
नीचे बेसमेंट छोड़ा अभी से 600 साल पहले। क्यों? इसलिए ताकि मैं मर जाऊं तो मेरे लाश को इस बेसमेंट में दफन कर देना, तब ये कब्र कब्र होगा, नहीं तो ये डेमो है। वाकई में जब उसका मौत रियली हुआ, उसका फैमिली मेंबर उसके लाश को इसके नीचे जो बेसमेंट है उसमें दफन किया। ये 25 फीट डीप है नीचे। अच्छा, और ये रास्ता है। अच्छा, जब उसका रियली मौत हुआ तो उसके लाश को इस रास्ते से ले जा करके नीचे दफन करके जैसा ये टॉम ऊपर दिख रहा है ऐसा ही टॉम बनाया गया जो रियल टॉम है नीचे में। ये तो डेमो है। अच्छा अच्छा, अब एक चीज और इम्पोर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। इस बिल्डिंग को फिर से आप देखिए, पूरी बिल्डिंग को देखिए। जो बिल्डिंग का डिजाइन आप देख रहे हैं, इसके ऊपर अगर छत अभी होता तो आपको ताजमहल बिल्कुल याद आ जाता। ये उसी तरीके से बनाने की कोशिश की, कॉपी करके ही बनाया गया है ताजमहल को, इससे कॉपी करके बनाया। अच्छा, 16वीं शताब्दी का देख रहे हैं बना हुआ ये बिल्डिंग। और 16वीं शताब्दी का ताजमहल 200 साल बाद का बिल्डिंग है। दोनों में अगर डिस्टेंस आप अंतर खोजेंगे, सिर्फ अंतर है कि छोटी बिल्डिंग है वो बड़ी बिल्डिंग। वो जो डिजाइन देख रहे हैं आपको ताजमहल में। अच्छा, सेम डिजाइन ताजमहल में भी मिलेगा आपको ताजमहल। ये देवला है। अच्छा, ये भी केबला है। अच्छा, बिल्डिंग रेड स्टोन से व्हाइट से, इसलिए ये केबला है। ये मक्का मदीना को इंडिकेट करता है। हाँ, समझ गए। इसी डायरेक्शन में प्रेयर करते हैं वो। ठीक है, तो आप कितनी भाषाएं बोलते हैं? इंग्लिश, हिंदी? इंग्लिश। अच्छा, क्योंकि पहले तो बहुत टूरिज्म होगा यहाँ पे ना, अभी एक 15,000 पब्लिक डेली। अच्छा जी, तो ये तो मैं लकी हूँ कि इन दिनों आया हूँ। हाँ, नहीं तो इतना टाइम भी नहीं, और आप मतलब अच्छा वीडियो नहीं कर पाएंगे क्योंकि पब्लिक ही पब्लिक आएगी उसमें। आवाज दिखाई देगा। ये देखिए, ये जो है ना, ये कब्र है। अच्छा, जो लोग वीआईपी थे उस समय में, जैसे उसका कब्र है, मान लीजिए कब्र के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन है। अच्छा, कब जिंदा हुआ, कब मरा, कितना दिन शासन किया, क्यों मरा, कहाँ दफन है। ये सब देख रहे, इतने बड़े बड़े कब्र, या तो वर्कर का है या तो सैनिक का है, नॉर्मल लोगों का है। अच्छा, और नॉर्मल लोगों का कब्र है ना, सीधा लिखा हुआ है स्लेव डायनेस्टी, इस तरह से तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, पूरा ग्रेवयार्ड है। अच्छा, अब देखेंगे कि इसके अंदर एक बॉडी नहीं है, अगर बहुत सारे 20 सैनिक मरा तो 20 का ही। तो एक गुलामों की वो है। ये सब कब्र। अच्छा, ये सब कब्र पूरा ग्रेवयार्ड है। और ये कब्र नहीं है सर, ये पिलर है उसी तरह। अच्छा है। अच्छा, वो सीधा है ना पिलर। हाँ, तरह से ये सब टूट गया, गेट टाइप्स। यहाँ का मुख्य नायक कुतुबुद्दीन ऐबक का कब्र आपको नहीं मिलेगा। वो है लाहौर में। अच्छा, उस समय पाकिस्तान हिंदुस्तान सेम कंट्री थे, इसलिए उसका रेसिडेंशियल लाहौर ही था, कब्र भी लाहौर में है। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक के पहले का राजा पृथ्वीराज चौहान का कब्र अफगानिस्तान के गजनी शहर में मिलेगा। अच्छा, ये जो देख रहे हैं सर, ये कुआं है, बहुत अच्छा। पुराना कुआं है। इधर है कुछ झांकने के लिए? ऊपर से बैरिकेड है, ऊपर पानी वानी नहीं है। हाँ, देखते। अच्छा, ये है। ठीक है, एक बार जा सकता हूँ क्या मैं? चले। ओके, ये है कुआं। ठीक है। हाँ, क्या बता रहे थे आप कुएं के बारे में? इस समय राजा होते थे या सैनिक होता था या गुलाम होता था, सबको पानी पीने का जरिया एक होता था, तो यही कुआं ही होता था। अच्छा, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था अभी की तरफ। अक्वागार्ड पी रहे हैं, वो बिस्लेरी कुछ पी रहे हैं, इस तरह का नहीं था। जो कुएं यही हुआ करता था, लोगों का जीवन यापन भी यही हुआ करता था। जो राजा होते थे वो भी उसी चीज को खाया करते थे, प्रजा भी उसी चीज को खाया करते थे। अंतर सिर्फ यही था कि प्रजा जो होते थे, नौकर होते थे, गुलाम होते थे, उनके कहे अनुसार काम करते थे और वो काम नहीं करते थे। बाकी कुछ इस तरह का टेक्नोलॉजी नहीं था, कुछ मॉडर्न नहीं था। वो ये खा रहे हैं तो वो ये खा रहे, वो उसी रहे तो वो कुछ खा ही नहीं। तो जैसे दिल्ली में जैसे सियासन करना,
तो वो गर्मियों के टाइम पे कैसे मैनेज करते थे, कुछ ऐसी इस तरीके की बिल्डिंग बनी हुई गर्मी है? के टाइम पे ऐसे मैनेज नहीं करते थे। जिस बिल्डिंग में अभी आप घूम करके आए हैं हाँ, उसमें आप हमारे नाइट में, आज नाइट में आ जाएगा, आपको गर्मी लगेगा, और अच्छा फिर गर्मी में आ जाएगा वो ठंडी लगेगा। हाँ, ये पत्थर का चुनाव हाँ कराया उन्होंने उससे। हाँ बाकी सर आप और गार्डन वार्डन घूमेंगे तो पूरा घूम सकते हैं, जो हाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट है हाँ मैंने एक्सप्लेन कर दिया, दिखा दिया आपको। जो फोर्ट का और जो हाँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हाँ पूरा कवर हाँ हो गया। हाँ ठीक है जो ठीक। देखने के लिए है, जो जानना इम्पोर्टेंट है, अच्छा बाकी सब जैसे गार्डन वार्डन बैठिए घूमिए। हाँ ठीक है। बाकी उसका तो ये तो अभी बनाए होंगे गार्डन वगैरह इन्होंने वैसे ही हाँ, ये अपने सब उससे। चेंज है। हाँ, या फिर मान लीजिए कि किल्तुत में छोड़ करके किसी का कब्र भी है तो नॉर्मल है, और अच्छा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ कब्र बहुत मिल जाएगा आपको कुतुब मीनार में, जितने कब्र ही देखिए तो पीछे कब्र ही छोड़े हैं ना, देखिए हाँ 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 ये कब्र ही, ये सारे कब्री कब्र हैं वो काफी। ठीक है ठीक है भैया, थैंक यू। तो और कुछ है तो बता दीजिए, नहीं तो और फाइनल है, नहीं डन है। एग्जिट आपको इधर है, अच्छा अगर आप वॉशरूम जाएंगे तो उधर वॉशरूम। अच्छा अच्छा ठीक है, बाकी ये गार्डन वगैरह ये इधर। ठीक है भैया, थैंक यू।